दोस्तों, आरबीआई के निर्देश के मुताबिक अगर आप अपने बैंक में 2000 रुपए के नोट जमा करवाने या फिर उन्हें एक्सचेंज करने के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपके मन में ऐसे कई सारे सवाल उठ रहे होंगे जिनका जवाब मैं दूंगा। और इस वीडियो के बाद आपकी काफी मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन इन 2000 के नोटों को लेकर दूर हो जाएगा और मुझे आशा है कि आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो अगर आप बैंक जा रहे हैं तो वीडियो जरूर देखें और फिर बैंक जाएं ताकि आपकी आगे की राह आसान हो जाएगी। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसे कहीं स्किप मत करिएगा और अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा ताकि ऐसे वीडियो में बनाता रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, 19 मई को आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया जिसके मुताबिक 2000 के नोटों को सितंबर 30 तक बैंकों में जमा करना है। अब इसके बाद एक भ्रांति फैल गई है, कंफ्यूजन फैल गया सोशल मीडिया में कि डीमोनेटाइजेशन है, नोटबंदी है। सबसे पहले तो कह दूं कि ये कोई नोटबंदी या फिर कोई डीमोनेटाइजेशन नहीं है, ये आरबीआई का एक प्रोसेस है जो फॉलो कर रही है। अब वो क्या है इसके बारे में आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अब आपके मैं सवालों का जवाब देना शुरू करता हूं एक एक करके। तो सबसे पहला सवाल है कि आप बैंक में एक दिन में कितने नोटों को जमा करा सकते हैं। तो इसका जवाब है कि आप एक दिन में 10 नोट यानी 2000 के 10 नोट 20,000 रुपए को जमा करा सकते हैं या फिर उसके बदले में दूसरे करेंसी नोट्स भी ले सकते हैं। अब दूसरा सवाल कि मैं बैंक में क्या एक बार ही एक दिन में जा सकता हूं और नोटों को जमा करा सकता हूं? नहीं, अब ऐसी बात नहीं है। आरबीआई ने साफ कहा है कि आप एक बार में 10 नोट जमा करा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैंक में दिन में दो बार नहीं जा सकते हैं। आप दो बार जाइए 10-10 के नोट लेके और दो बार जमा कराइए, इसमें आरबीआई को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक इश्यू जरूर है कि अगर बैंक का स्टाफ कम है या फिर बैंक में कुछ और इश्यूज हैं, क्योंकि भीड़ हो सकती है, इसलिए बैंक स्टाफ आपको मना कर दे कि आप दिन में 10 नोट ही लाइए और अगले दिन फिर आइएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन आरबीआई ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। तो दो सवालों का जवाब मिल गया कि आप दिन में कितने नोट जमा करा सकते हैं और दूसरा कितनी बार जमा करा सकते हैं। तीसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट कि जब मैं बैंक जा रहा हूं नोट को जमा कराने, इसके लिए क्या मुझे कोई स्लिप की दरकार है, कोई स्लिप भरनी पड़ेगी? नहीं, इसके लिए आपको कोई स्लिप या कोई खानापूर्ति या कोई कागज की दरकार नहीं है। आप जाइए, लाइन में लगिए, नोट दीजिए और नए नोट लेकर आइए या फिर उस पैसे को अपने अकाउंट में जमा करा दीजिए। तो इसमें आपको कोई रिक्वेशन स्लिप जो हम कहते हैं उसकी बिल्कुल दरकार नहीं है। चौथा सवाल, अब मैं अपने इस पैसे को कहाँ जमा करा सकता हूँ? क्या सिर्फ अपने बैंक्स में ही जमा करा सकता हूँ जहाँ मेरा खाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपका स्टेट बैंक में अकाउंट है जो आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है। अब जरूरी नहीं कि आप स्टेट बैंक में ही जाएं, अगर आपके घर के पास या घर के नीचे ही सेंट्रल बैंक भी है तो वहां भी जमा करा दीजिए। यानी कहीं भी आप नोटों को जमा करा सकते हैं। इसके साथ साथ आरबीआई की 19 क्षेत्रीय कार्यालय और हैं जहां पर जाकर आप इन नोटों को जमा करा सकते हैं। अगला सवाल, अगर मैं नोटों को जमा कराता हूं या इनके बदले कोई पैसे लेता हूं, छोटी करेंसी के 500 के नोट, 100 के नोट लेता हूं, तो क्या आरबीआई इसकी कोई कमीशन काटेगा? बिल्कुल नहीं, आरबीआई इसकी कोई कमीशन नहीं काटेगा। ये बिल्कुल फ्री है, आपको इसके बदले एक घेला भी देने की दरकार नहीं है, ये बिल्कुल फ्री सर्विस है। अगला सवाल जो कि बहुत ही फनी है और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, इसका जवाब देना इसलिए बहुत जरूरी था, क्या मेरे नोट में किसी तरीके का चिप लगा है जिसकी इंफॉर्मेशन अब आरबीआई मुझसे लेना चाहता है मेरे ट्रांजैक्शन की, इसलिए वो नोट मांग रहा है? बिल्कुल नहीं सर, ये भी झूठ है। आप मीडिया के उन पत्रकारों पर मत जाइए जो कह रहे थे कि नोटों में चिप लगा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आरबीआई की एक पॉलिसी है जिसके तहत वो आपसे नोट कलेक्ट कर रही है, तो चिप वगैरह कुछ मत लगा है, ये सब एक भ्रांति है। अगला, अगर सितंबर 30 तक मैं नोट नहीं जमा करा पाया 2000 की, तो क्या होगा? क्या ये रद्दी बन जाएंगे जैसे 500 और 1000 रुपए के नोट बन गए थे और इनका कोई इस्तेमाल नहीं होगा? फिर गलत, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आरबीआई ने साफ कर दिया है कि 30 सितंबर के बाद भी ये जो नोट है वो लीगल टेंडर रहेंगे, यानी वो लीगल है और इनका आप इस्तेमाल किसी भी ट्रांजैक्शन में कर सकते हैं। तो डरने की कोई दरकार नहीं अगर आप 30 सितंबर तक नोट नहीं जमा करा पाए, क्योंकि ये लीगल टेंडर फिर भी बने रहेंगे। तो लोगों में जो डर आ रहा है कि अगर 2000 के नोट हम जल्दी से जमा कराएं, क्योंकि उनके दिमाग में 2016 की जो वो पिक्चर है वो चल रही है कि ये नोट भी बेकार हो जाएंगे, रद्दी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है जनाब। ये 2023 यानी सितंबर 2023 के बाद भी ये लीगल टेंडर बने रहेंगे।
अब आपको मैं ये बताता हूं कि आरबीआई आखिर ऐसा कर क्यों रही है। तो आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी है जो अभी से नहीं 1999 से चल रही है और इसकी शुरुआत तत्कालीन गवर्नर डॉक्टर विमल जलान ने की थी, जिसके अंतर्गत वो ऐसे नोटों को लेते हैं और फिर नए नोट बनाकर बाजार में देते हैं दूसरी करेंसी के। तो ये प्रोसेस 1999 से चल रही है और आरबीआई ने अभी हाल ही में कहा था कि 2000 नोटों की संख्या बाजार में बहुत कम है और केवल 10.8% नोट ही सर्कुलेशन में है मार्च 2023 तक। तो आरबीआई पॉलिसी के तहत ये सब कर रही है, आपको इसमें घबराने की कोई दरकार नहीं है, कोई नोटबंदी नहीं है। जाइए आराम से बैंकों में अपने पैसे जमा कराइए या फिर दूसरी करेंसी के नोट्स लीजिए और सुकून से जिए। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल गई होगी और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों रिश्तेदारों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे तो वीडियो उन्हें शेयर जरूर करिए व्हाट्सअप पर, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए ताकि बिजनेस की ऐसी जानकारियां मैं आपके लिए लाता रहूं।